कोरबा जिला चिकित्सालय परिसर में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। इस कार्यक्रम में नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरबा जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आई लव माई सेल्फ अभियान चलाकर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन सप्ताह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न कॉलेजों में वर्कशॉप आयोजित कर लोगों को सुसाइड जैसी गंभीर समस्या से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि खुदकुशी के बढ़ते आंकड़ों में कोरबा भी अन्य जिलों से आगे है। डीपीएम पद्माकर शिंदे ने बताया कि आई लव माई सेल्फ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 9 सितंबर को हम लोगों ने आईटी कॉलेज में सुसाइड प्रिवेंशन पे वर्क किया, फिर 10 सितंबर को छुट्टी थी, उसके बाद 11 सितंबर, 12 सितंबर हम 13 सितंबर को केएन कॉलेज और कटघोरा के कॉलेज में और पीजी कॉलेज में, ये चार जगह हमने सुसाइड प्रिवेंशन पे वर्कशॉप किया। और आज इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी है, इसमें हमारे नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट और ब्रिजपुर के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, अभी डिबेट प्रतियोगिता चल रही है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना, ताकि वो सुसाइड की ओर आगे ना बढ़ें। कैसी भी परिस्थितियां हो तो मदद के लिए हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय कोरबा में कक्ष क्रमांक 112 में स्पर्श क्लिनिक संचालित है, वहाँ पर आकर के मदद मांग सकते हैं। कोरबा जिला, चूंकि पूरा छत्तीसगढ़ जो है हमारा नशे की गिरफ्त में बहुत अधिक है, और नशा एक बहुत बड़ा कारण है सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने के लिए, और कोरबा जिले में इसकी तादाद जो है छत्तीसगढ़ के बाकी जो हिस्से हैं उनसे कुछ ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम को यहाँ पर ही चला करके हम इसको समाज में भी ले जाना चाहते हैं। इसके लिए अभी आने वाले समय में हम वेरियस कम्युनिटीज में जा करके वर्कशॉप आयोजित करेंगे। आई लव माई सेल्फ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही बताया जा रहा है कि खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये आई लव माई सेल्फ का एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें आत्महत्या से लोगों को रोकने के लिए ये एक जन जागरूकता फैलाई जा रही है। जो जिन जिन कारणों से आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने अपने जिला अस्पताल में और हमारे जो अन्य केंद्र हैं वहाँ पर हमने काउंसलिंग सेंटर खोल रखा है। यदि किसी को ऐसी कोई समस्या होती है तो वो बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आत्महत्या एक परमानेंट सलूशन है टेम्प्रेरी प्रॉब्लम का, जो टेम्प्रेरी प्रॉब्लम की परमानेंट सलूशन की आवश्यकता नहीं होती, ये लोगों को हम लोग समझाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस अभियान को आम लोगों के बीच पहुंचाने की बात कह रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ पूजा साहू की रिपोर्ट।